नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तन में व्याधि, मन में समाधि, इसी मनस्थिति और परिस्थिति में मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत ने अपने जीवन के अंतिम 6 महीने, जब वे पैनक्रेटिक कैंसर से जूझ रहे थे, व्यतीत किए। शरीर धीरे धीरे कृशकाय होता रहा। शरीर का वजन मात्र 22-23 किलो रह गया था, लेकिन यह उनकी संकल्प शक्ति थी जिसने उन्हें जीवन के अंतिम क्षण तक सृजनरत रहने की प्रेरणा दी। यो तो अपने जीवन काल में हिंदी, राजस्थानी और जैन साहित्य के विविध पक्षों पर वे निरंतर लिखते रहे, किंतु जीवन के अंतिम दौर में वे अपनी सारी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे। उनके निधन के कुछ दिन पूर्व हमने उनकी वह पुस्तक, जो उन्होंने तन की व्याधि मन में समाधि की अवस्था में लिखी थी, ए मेरे मन नाम से संकलित कर प्रकाशित करवाई थी। लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी भर कलम से खेलता रहा, उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे अपनी उस पुस्तक पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सके। आइए, उन्हीं के संकलन से आज मैं 2 कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है ये आंसू। उस बीमारी की अवस्था में उनके बहुत सारे मित्र, परिजन, पड़ोसी, विश्वविद्यालय के सहयोगी, विद्यार्थी, सभी लोग मिलने के लिए आते थे और उस पारस्परिक संवाद में उनकी उस संकल्प शक्ति को, उनके आत्मबल को बनाए रखने की किसी न किसी रूप से प्रेरणा देते थे। और उन आत्मीय जनों से मिलते हुए उनकी आंखों से कई बार अविरल अश्रुधारा भी बहने लगती थी। उनकी यह कविता उसी मनोभावना पर, आंसुओं पर केंद्रित है। वे लिखते हैं ये आंसू, कविता का शीर्षक। ये जो आंसू है, इन्हें देखकर तुम पूछते हो, क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो? शरीर तो व्याधि मंदिर है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये आंसू दुख के नहीं, मोह माया और आसक्ति के नहीं, ये तो प्रभु पूजा की तरह पवित्र हैं। इनमें न जाने कितने लोगों का प्यार भरा है, न जाने कितनों का स्नेह झरा है। आंसू केवल दुख के नहीं होते, वे करुणा, वात्सल्य और आत्मीयता के पहरुआ होते हैं। इनमें कहां है परिवार के प्रति मोह, कहां है सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षोह, कहां है भय, चिंता और देह का बिछोह। इनमें है बचपन के उन बाल गोठियों का निश्चल प्यार, यौवन के उन कर्मठ साथियों की याद, जिन्होंने जीवन संघर्ष में विजयी होने की प्रेरणा दी। जब जब संकट की घड़ी आई, उससे उबरने का साथ दिया, विश्वास दिया। इनमें है ऋषि महात्माओं के आशीर्वाद का अमृत, जिसे पीकर मैं देह से ऊपर उठ सका, अपनी चेतना से संलाप कर सका, आत्माभिमुख हो सका। वे आंसू और होते हैं, वे आंसू और होते हैं जो दुख और वेदना की उपज होते हैं, जिनमें छटपटाहट होती है, व्याकुलता होती है, देह और संसार के प्रति आसक्ति होती है, पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों का स्वार्थ होता है, आर्थ ध्यान होता है, कषाय को और कसना होता है। पर ये आंसू तो कृतज्ञता के आंसू हैं, आत्मिक संबंधों की भावुकता के आंसू हैं। इनमें स्व का विस्तार होता है, इनमें स्व का विस्तार होता है, आत्मा का परिष्कार होता है, मन हल्का और निर्मल होता है, देह का जल तत्व पिघल कर बहता है दूसरों के दुख को हरने के लिए,
प्राणी मात्र से मैत्री संबंध जोड़ने के लिए। सच तो है यह दोस्त कि ये आंसू खार के नहीं प्यार के हैं। आइए अब दूसरी कविता, जो ए मेरे मन संकलन की प्रथम कविता है, ए मेरे मन। उस बीमारी की अवस्था में कवि अपने मन को संबोधित करते हुए किस प्रकार का अनुभव करता है, प्रस्तुत है उनकी यह एक और कविता। ए मेरे मन, तू इधर उधर मत भटक, प्रभु चरणों में अर्पित हो जा। जन्मा था तब तुम अकेला था, कौन तेरे साथ था, तू भोला था, सरल था, निष्कपट, निर्वैर, निर्लेप। जो जो बड़ा हुआ, परिवार से, समाज से, संसार से, तू लिपटता गया, तेरा परिचय बढ़ा। प्रभु ने तुझे क्या नहीं दिया, सुंदर बचपन, मधुमाता यौवन, धन, वैभव, यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तेरा कर्म क्षेत्र बढ़ा। तू भागा, भटका, बेतहाशा दौड़ा, इंद्रिय विषयों में रचा, खपा, पचा, पर मिला क्या? थो था अहम, सुख का भ्रम, अब प्रभु ने तुझे जगाया है। देखिए, उस गंभीर बीमारी के दौर में अब कवि क्या महसूस करता है। अब प्रभु ने तुझे जगाया है, सावधान किया है, तुझे जो दुख दिया है वह दुख नहीं वरदान है, जागृति का मधु है, तू उसे जी भर पी, रोम रोम में नई ऊर्जा उतार। ए मेरे मन, तू इधर उधर मत ललक, ए मेरे मन, तू इधर उधर मत ललक, अपनी ठनक प्रभु चरणों में अर्पित कर, पाले नई रौनक। अरे यह कौन सेठ आकर खड़ा है, कौन विद्वान तुझसे आकर अड़ा है, तू किसे सलाम कर रहा है, तू किस किस का जाप है। ए मेरे मन, तू समझ यह कोरा ताप ही ताप है, तू इन सब से निसंग हो, अशरण हो, प्रभु शरण में समर्पित हो जा, पाने को नया प्रकाश, नया आकाश। तू मत बंध देह के संसार से, तू मत फंस काल के विकराल जाल में, तू तो देहातीत है, कालातीत है, अपनी औकात पहचान, तू अजर है, अमर है, क्यों जरा जरा सी बातों पर झगड़ता है, उलझता है, उबलता है, क्यों सांसारिकता पर मरता है, अपनी ममता को मार, समता को उभार। ए मेरे मन, तू संकल्प विकल्प में मत डोल, समता रस में हिंडोल, रह अटल अडोल, यही तेरी भक्ति है, मुक्ति है। अपने पिता आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र भानावत की उन पावन स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।